हेलो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज हम एज ऑफ पोप की बात करेंगे इससे पहले भी हम पोप की एज की बात कर चुके हैं जिसमें हमने ज्यादातर वर्स की बात की थी आज हम इस एज के क्रोज और ड्रामा की ज्यादा बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ड्रामा रिटर्न बाय रिचर्ड स्टील ऑप्शन गिवन द फ्यूनरल सेवेंटीन जीरो वन द लाइंग लवर सेवनटीन जीरो थ्री द टेंडर हजबेंड सेटीन जीरो फाइव ऑल द करेक्ट आंसर इज ऑल दी फ्रेंड्स ये तीनों ही रिचर्ड स्टील के लिखे हुए ड्रामाज हैं इसके अलावा इनकी एक कॉमेडी और है जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज द कॉन्सियस लवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ड्रामा रिटन बाय जोसेफ एडिसन रिचर्ड स्टील के कोलेबोरेटर जोसेफ एडिसन थे इन दोनों ने मिलके अपने एसेज निकाले थे एक पीरियोडिकल फाउंड किया था जिसका नाम था द स्पेक्टेटर जो कि 1711 में आया था दोस्तों तो हमने देखा रिचर्ड स्टील ने तो बहुत सारे ड्रामाज लिखे लेकिन जोसेफ एडिसन का एक ही ड्रामा फेमस था जिसका नाम था कैटो ऊपर के तीनों वो ड्रामाज हैं जो कि इनके कोलेबोरेटर रिचर्ड स्टील ने लिखे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट मैच लेफ्ट हैंड साइड में हमें वर्क दिया है राइट हैंड साइड में जॉनरा दी है एडिसन्स कैंपेन एक पोयम है स्टील्स द अनकॉन्सियस लवर एक ड्रामा है गेज बेगर्स ओपेरा पोयम है पोप एसियन क्रिटिसिज्म एक वर्स है द राइट आंसर इज दी वन क्योंकि गे का लिखा बैगर्स ओपेरा एक OEM नहीं है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील द टेटलर फर्स्ट इन विच इटीन सेंचुरी के फर्स्ट डेकेट में बहुत सारे पीरियोडिकल्स लिखे गए थे दोस्तों 1704 में डेनियल डिफॉय का द रिव्यू आया और स्टील का द टेटलर जो है वो 1709 में आया था दोस्तों इसमें उन्होंने अपने एक क्लब को बनाया है जिसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब अगर ये क्वेश्चन आता है द स्पेक्टेटर क्लब इज द क्रिएशन ऑफ हुज माइंड द आंसर विल बी रिचर्ड स्टील हालांकि स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स पर सर रोजर जो कि मेन कैरेक्टर थे इसमें इन पर एडिशन ने भी बहुत सारे ऐसे लिखे हैं लेकिन इस क्लब की क्रिएशन तो रिचर्ड स्टील ने ही की थी जब इनका पीरियोडिकल द टेटलर पब्लिश हुआ था 1709 में नेक्स्ट वन स्टील्स द टेटलर अपियड ब्लैंक इन अ वीक फिल इन द ब्लैंक रिचर्ड स्टील का टेटलर जो पीरियोडिकल का नाम है दोस्तों ये हफ्ते में कितने दिन पब्लिश होता था द करेक्ट आंसर इज फ्राइस ये हफ्ते में तीन दिन पब्लिश होता था ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे नेक्स्ट वन द स्पेक्टेटर फाउंडेड बाय एडिसन एंड स्टील फर्स्ट अपियर इन सेवनटीन जीरो फोर में डेनियल डिफॉय का रिव्यू आया सेवनटीन जीरो नाइन में रिचर्ड स्टील का द टेटलर आया और फिर दो साल बाद सेवनटीन इलेवन में एडिसन और स्टील ने मिल करके एक पीरियोडिकल निकाला जिसका नाम था द स्पेक्टेटर सो द राइट आंसर विल बी सेवनटीन इलेवन फ्रेंड्स और ये एक डेली पब्लिश होने वाला न्यूज पेपर था सिर्फ संडे को छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है द स्पेक्टेटर सेवनटीन इलेवन वीक फिल इन ब्लैंक द करेक्ट आंसर इज डेली संडे एक्सेप्टेड तो ये रोज पब्लिश होने वाला न्यूज था दोस्तों और ये संडे को छोड़कर बाकी के सारे दिन हफ्ते में अवेलेबल रहता था नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटल ऑफ द बुक्स एंड अ टेल ऑफ अ टब आर द वर्क्स ऑफ द करेक्ट आंसर इज जोनाथन स्विफ्ट जोनाथन स्विफ्ट जो कि अपने गलीवर्स ट्रेवल्स के लिए बहुत फेमस है दोस्तों उन्हीं के ये दो वर्क और हमें ध्यान रखने द बैटल ऑफ द बुक्स आ टेल ऑफ अ टन जोनाथन स्विफ्ट जो है वो इंसेनिटी से पीड़ित थे और लास्ट में पागलपन की वजह से ही इनकी डेथ भी हो गई थी दोस्तों और इनके लिखे ये दोनों वर्क द बैटल ऑफ द बुक्स टेल ऑफ अट सेवनटीन जीरो में पब्लिस हुए थे जोनाथन स्विफ्ट गलीवर्स ट्रेवल्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? above। फोर थ्री का ऑफ वर्क गलीवर्स ट्रेवल्स फोर पार्ट्स में डिवाइड है दोस्तों इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है यानी कि गलीवर है वो इस वर्क के अलग अलग पार्ट्स में अपने आप को अलग अलग जगह पर पाता है जब वो अपने आप को छोटे लोगों के बीच में पाता है तो वो पार्ट वन होता है वॉइस टू लिलीपुट और फिर वो अपने आप को बहुत विशालकाय लोगों के बीच में पाता है दैट इज पार्ट टू अग नैक फिर थर्ड वाले पार्ट में उसकी वॉयस दिखाई है जो उसने लापुता बालनी ग्लबडब ल्यूगाब्रिब और जापान में की थी एंड द लास्ट पार्ट इज अ वॉइस टू द लैंड ऑफ द होहिनम हो यहाँ हॉर्सेस को दिखा रहा है वो लास्ट वाले पार्ट में दिखाता है कि कैसे हॉर्सेस ने इंसानों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है तो ये चारों पार्ट्स के नाम भी ध्यान रखने हैं और गलीवर ट्रेवल्स किसका वर्क है ये भी ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बैटल ऑफ द बुक्स जोनाथन स्विफ्ट सटैरिकल मोक हीरोइक पोएम ब्लैंक इज द सेटिंग फॉर अ लिटरल बैटल बिटवीन बुक्स इट वॉज लोकेटेड इन सेंट जेम्स पैलेस एट द टाइम इट वॉज रिटर्न इन सेवनटीन जीरो फोर तो बैटल ऑफ द बुक्स की सेटिंग हमें बतानी है दोस्तों कि वो जो लड़ाई होती है बुक्स के बीच में वो किस जगह पर होती है उस लाइब्रेरी का नाम बताना है द करेक्ट आंसर इज किंग्स लाइब्रेरी जो कि सेंट जेम्स पैलेस में स्थित थी और ये वर्क यानी कि द बैटल ऑफ द बुक्स कब पब्लिश हुआ था सेवनटीन जीरो फोर में 1704 में द बैटल ऑफ द बुक्स आया था 1704 में ही इनका द टेल ऑफ टब आया और 1704 में ही डेनियल डिफॉय का द रिव्यू नाम का जर्नल शुरू हुआ था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबिन्सन क्रूसो इज एन इंग्लिश एडवेंचर नॉवल रिटन बाय द करेक्ट आंसर इज डेनियल डिफॉय रॉबिन्सन क्रूसो में रॉबिन्सन के एडवेंचर्स दिखाए हैं ऐसे ही डेनियल डिफॉय का दूसरा वर्क है मॉल फ्लैंडिस्ट मॉल दिखाता है न्यूज पेपर फाउंडेड इन सेवनटीन जीरो फोर बाय होम रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिसन डेनियल डिफॉय नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज डेनियल डिफॉय फ्रेंड्स नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच वर्क राइटर प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज बाकले हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल्स आर्बर्ट नॉट द लंडन मर्चेंट लिलो ऑल ऑल द राइट आंसर फ्रेंड्स क्योंकि ये तीनों ही करेक्टली मैस्ड हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक इज अ लैंडमार्क मुक हीरो नैरेटिव पोएम बाय अलेक्जेंडर पो पब्लिस्ड इन थ्री डिफरेंट वर्जन at different times from 1728 to 1743 the poem celebrates a goddess dullness at the progress of her chosen agents as they bring decay imbecility and tastelessness to the kingdom of great britain तो so, ये एक मोक हीरोइक पोएम है अलेक्जेंडर पोप ने तीन वर्जन में लिखी है और तीन अलग अलग टाइम्स में पब्लिश हुई है 1728 से लेके 1743 के बीच में इस पोयम में वो डलनेस की देवी को ग्लोरीफाई कर रहा है मूर्खता की देवी जो है वो अपने चुने हुए मूर्खों को इकट्ठा कर रही है ये सारे वो मूर्ख हैं जिन्होंने किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे वर्क्स लिखे जिनसे बोर्डम डलनेस और टेस्टलेसनेस छाई हुई है ये एक तरीके का सटायर है दोस्तों जिसमें कि एलेक्जेंडर पोप उस समय के बेकार के पोइट्स पर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शनिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज द दर्ट द लंडन मर्चेंट द द बी वन, इज़ द राइट वन इसमें पहले वाले वर्जन में वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इज द हीरो ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ पोप पोप्स डनसिया के फर्स्ट वर्जन में वो ल्यूस थियोबोल्ट पर सटायर कसते हैं दोस्तों लियोसथोबाल्ट इस प्रकार से हीरो है पोप्स के डॉट का जो फर्स्ट वाले वर्जन में आया है इसमें उन्होंने लियोथोबार्ट की मजाक बनाई है और उसे डलनेस की देवी का सच्चा फॉलोअर बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हीरो ऑफ द सेकंड वर्जन ऑफ पोप्स डनसिया पोप के डंसियार्ट के सेकंड वर्जन में हीरो बदल जाता है अब कमेंट लियो पर नहीं सिबर पर होता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज स्टाइल हैज बीन कॉल्ड अ मॉडल ऑफ मिडिल स्टाइल द करेक्ट आंसर इज जोसेफ एडिसन जोसेफ एडिसन को ही अ मॉडल ऑफ मिडिल स्टाइल बोला गया है दोस्तों और ये उनके स्टाइल को डॉक्टर सैम्यूअल जॉनसन ने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर इज एन अकाउंट ऑफ वन मैं एक्सपीरियंसिस ऑफ द ईयर सिक्सटीन सिक्सटी फाइव हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर इंग्लैंड में हुए प्लेग ईयर 1665 की कहानी बयां कर रहा है जिसमें एक आदमी के अनुभवों को साझा किया जाता है ये वर्क किसका लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर इज डेनियल डिफॉय फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग सफर्ड फ्रॉम मेंटल डिजीज मेंटल डिजीज से सफर्ड राइटर जोनाथन स्विफ्ट थे दोस्तों और इंसेनिटी से ही इनकी डेथ हुई थी और इनकी इंसैनिटी का असर इनके वर्क्स में भी देखने को मिलता है इसीलिए इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में मिस एंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है मिस एंथ्रोपिस्ट इज द पर्सन क्वेश्चन नंबर एथ इज हु कोलेबोरेटर ऑफ जोसेफ एडिसन जोसेफ एडिसन के साथ लिखने वाले राइटर कौन थे रिचर्ड स्टील जोनाथन स्विफ्ट डेनियल डिफॉय नन ऑफ द द करेक्ट आंसर इज रिचर्ड स्टील इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे एसेज लिखे और द स्पेक्टेटर सेवनटीन इलेवन में आने वाला पीरियडिकल तो इन दोनों ने मिलकर ही फाउंड किया था दोस्तों विद दिस आई एंड टूडे क्लास फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच